आप सब, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी। मेरा नाम है खालिद महमूद जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तानी। मेरा नाम है मोहम्मद मनीर। और मेरा नाम है सादिक। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। आज फिर हमारे साथ बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं, जिनमें से मुनीब साहब और खालिद महमूद साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। और आज हम देख रहे हैं वीडियो सिक्किम की, जो कि बहुत ही खूबसूरत और प्यारा इलाका है इंडिया का। आइए मिलके देखते हैं इंडिया की खूबसूरती और फिर उस पर करते हैं अपना रेट। हमारे रिव्यूज को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बात है जी। सिक्किम वालों का मजे हैं, इंडिया वालों के सिक्किम वालों के नहीं, इंडिया वालों के सारे हिंदुस्तान जिस कोने में भी चल रहे हैं यार, माशाल्लाह इंडिया वालों के तो मजे लगी हुई है। नजारे लहरों का क्या ऐसे ही जैसे पेंटिंग ही है। समुंदर का तो अपना ही नजारा था। कौन सा समुंदर? झील झील नॉर्थ सिक्किम उन जगहों में से है जो ब्यूटी की डेफिनेशन को बयां करते हैं। हम में से कुछ लोगों को रगेड टेरेन पसंद है, कुछ को बर्फ से ढके हुए पहाड़ और बाकी कुछ ऐसे जिनको लश वाइल्ड फॉरेस्ट। And in North Sikkim, you get all of this and much more. तो अगर आज आप ऐसे कुछ खूबसूरत नजारे और दिलकश इशारे देखने के लिए तैयार हैं, तो चलते हैं फिर। चलते हैं यार भी आपके साथ। लेकर चलिए हमें सिक्किम के हसीन नजारे। संजीव वाकई में क्या? बट नॉर्थ सिक्किम का चार्म कुछ अलग ही है। और अभी तो आधे रास्ते में ही थे, लेकिन मौसम ने हमारी एक्साइटमेंट ऑलरेडी बढ़ा दी थी। ये वेदर तो कमाल है। गैंगटॉक से करीब 100 किलोमीटर दूर पड़ता है चुंगथांग। एक छोटा सा टाउन है जो लाचेन और लाचुंग रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे बना हुआ है। यहाँ से नॉर्थ सिक्किम हाईवे बाइफरकेट होता है और एक रास्ता जाता है लाचुंग और दूसरा लाचेन की तरफ। इस पूरी जर्नी पे हम सिक्किम के काफी ब्रिजेस क्रॉस कर चुके थे, लेकिन ये एक स्पॉट कुछ अलग ही था। कलरफुल तीस्ता रिवर, घने जंगल, बर्फीले पहाड़ और इन दोनों के बीच मूविंग क्लाउड्स की लेयर्स। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा था, हमारी एक्साइटमेंट बढ़ती चली जा रही थी। ना सिर्फ नॉर्थ सिक्किम के टाउन और विलेजेस, बल्कि यहाँ तक का सफर भी एक फोटोग्राफर्स डिलाइट है। इतने सारे कलर्स, टेक्सचर्स और लैंडस्केप है कि आपकी गाड़ी रुकती रहेगी और कैमरा बंद नहीं होगा। सीनी ऐसे देखो बाबा है जी।
क्योंकि मोस्ट ऑफ इट लाइज नियर द सेंसिटिव इंडो चाइना बॉर्डर एंड फॉल्स अंडर इंडियन आर्मीज ज्यूरिसडिक्शन. परमिट्स मिल आसानी से जाते हैं और आपके ड्राइवर्स आपके लिए अरेंज कर देंगे. लाचेन में मिनिमम एक रात रुकना जरूरी है एक्लेमेटाइज करने के लिए. थोड़ा कंजेस्टेड होने के बाद भी लाचेन की गलियों और कलरफुल घरों ने हमें काफी इंप्रेस किया. शायद इसलिए भी क्योंकि मौसम भी मस्त ठंडा हो गया था. इवन तो यहाँ अभी भी समर्स ही है तब भी हमारे लिए अच्छी खासी ठंड थी. यहाँ पे हमारा स्टे था खेमखिम रीजेंसी होटल में. एक लंबे दिन के बाद दिस इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ प्लेस वन नीड्स. क्लीन कोजी एंड कंफर्टेबल. नेक्स्ट डे गुरु डोंगमा लेक के लिए जल्दी निकलना था और ऐसा लग रहा था कि हल्की हल्की ऑल्टीट्यूड सिकनेस भी शुरू हो गई थी. तो इस दिन बस कंबल में घुस गए और रेस्ट किया. जैसे पहाड़ी ओपन ही रखे लकड़ी है ना ऐसे. थैंक्स विजिट अगेन. अभी तो हमारा शुरू हुआ है. अभी तो शुरू कर रहे हैं हम. फाइनली आज का दिन सबसे एक्साइटिंग होने वाला था क्योंकि आज की जर्नी थी 8800 फीट से लेकर 17800 फीट तक. इसके लिए सुबह जल्दी स्टार्ट करना होता है क्योंकि 11-12 बजे के बाद लेक पे वेदर खराब होना शुरू हो जाता है और वेट इतनी तेज हो जाती है कि खड़ा होना भी मुश्किल है. अब रोड थोड़ी बेटर होने के बाद 67 किलोमीटर की जर्नी में करीब 2.5 से 3 घंटे लगते हैं. आई कैन श्योरली से कि थोड़ी देर में लैंडस्केप और ब्रीथिंग होता जाता है लेकिन साथ में हवा में ऑक्सीजन की कमी की वजह से अपनी एनर्जी और एक्साइटमेंट को बचा के रखना होता है ताकि सेफली पहुंच सके. जब लाचेन से निकले थे तो आसपास के सब पहाड़ों पे ग्रीनरी थी बट धीरे धीरे प्री डोमिनेंट कलर्स हो गए ब्राउन और ग्रे. लाचेन से अराउंड 30 किलोमीटर बाद आता है थंगू विलेज विच इज द फर्स्ट प्लेस वेयर यू स्टॉप एंड गेट योर परमिट्स वेरीफाइड. यहाँ पे एक आर्मी बेस है जो पूरे साल इतने हार्श क्लाइमेट में भी ऑपरेशनल रहता है. इसको फार नॉर्थ का लास्ट सेटलमेंट भी बोलते हैं एंड इट्स अ परफेक्ट पिट स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट एज वेल एज एक्लेमेटाइजेशन बिफोर यू पुश फर्दर. जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड गेन कर रहे थे वैसे वैसे कलर्स भी चेंज हो रहे थे ग्रीन टू ब्राउन टू नाउ व्हाइट. ऐसा लग रहा था किसी पोर्टल से क्रॉस करके डायरेक्ट नानिया में आ गए. इस जगह की रोड्स यहाँ के हिसाब से काफी वेल मेंटेन थी और इसी वजह से जहाँ पहले 5 से 6 घंटे एक तरफ लगते थे अब ट्रैवल टाइम ऑलमोस्ट आधा हो गया. बट ऑल्टीट्यूड का थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट दिखना शुरू हो गया था. इवन तो मैं बहुत एक्साइटेड था बट इस टाइम पे अपनी एनर्जी और ऑक्सीजन कंजर्व करना बहुत इम्पोर्टेंट था. Soon we were on the final stretch of the journey. The landscape has again changed to black roads running through these vast barren landscapes with blue sky and soft cotton-like clouds. The car then took a turn and seemed to climb up, ending at the horizon. As the dust cloud formed by all the gaps settled, there stood the clear blue lake, a sight to the sore eyes. गाड़ी से उतरते ही पहले कुछ सेकंड्स तो ऐसा लगा कि थोड़े अपने होश खो बैठे. The lake was unique, nothing like anything I've ever seen. The perfectly calm water, the barren hill on one side, and a snow-clad peak on the other. ये शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक हो. इस जगह की एक कहानी भी है. अकॉर्डिंग टू अ लेजेंड, द लेक यूज्ड टू रिमेन फ्रोजन मोस्ट ऑफ द ईयर. एक बार जब बुद्धिज्म फाउंडर गुरु पद्मसंभवा यहाँ से जा रहे थे तो लोकल रेजिडेंट्स ने उनसे रिक्वेस्ट की कोई वाटर सोर्स की. उन्होंने लेक के एक पार्ट को छुआ और माना जाता है कि तब से एक्सट्रीम विंटर्स में भी लेक का वो हिस्सा फ्रीज नहीं होता. हो सकता है इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी हो बट लाइक दिस प्लेस इवन दिस फोक टेल इज क्वाइट फैसिनेटिंग.
कैब्स यहाँ पे एकदम एज तक छोड़ती है जहाँ से लेक अराउंड 20-25 मीटर्स नीचे है. One can go by stairs, but because oxygen levels are low, it's advisable to take some rest before going down. जब मैं नीचे उतरा और इन प्रेयर फ्लैग्स को छुआ तो ऐसा लगा कि तेज हवा के साथ ये सब विजिटर्स को पीस और काम का मैसेज भेज रहे हो. यहाँ पे लंबे समय तक रुकना या फिजिकल एक्सर्शन करना आपकी तबीयत और खराब कर सकता है. इवन इन सीढ़ियों से ऊपर नीचे आने में ही हालत खराब हो गई. तेज हवा, कड़ाके की ठंड और कम ऑक्सीजन की वजह से बहुत लोगों को सर दर्द या सर घूमना शुरू हो जाता है. ठंड इतनी ज्यादा थी कि जैकेट से हाथ निकालना भी मुश्किल हो रहा था और क्योंकि तबीयत पहले से ही थोड़ी ढीली थी इसलिए आफ्टर 30 मिनट्स वी डिसाइडेड दैट इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टे. जैसे ही हम वापस निकले तो लगा कि मानो ये सब एक सपने जैसा हो जिसको शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है. Unless you come here, it's hard to imagine what it feels like to be here. As we descended, I had nothing but respect for the soldiers who are posted here throughout the year. This place is so remote and the climate is so hard that I cannot even imagine staying here for more than a day. इसके बाद हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी लाचो. यहाँ से निकलते हुए ऐसा लगा कि इससे बेटर व्यूज तो क्या ही मिलेंगे, बट वी वर सो रॉन्ग. ठंड बढ़ती गई और स्नो क्लैड पीक्स हमारे और नजदीक आते गए. जर्नी टू लाचुंग वाज नथिंग लेस देन अनदर फेरी टेल. टू टॉप इट ऑल, रास्ते में हल्के हल्के स्नो फ्लेक्स भी गिरे. ओवरजॉयड बाय दिस, हमारी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था. अब ये तो हमें पता था कि लाचुंग के रास्ते में कई सारे वाटरफॉल्स भी पड़ते हैं, पर ये नहीं मालूम था कि वाटरफॉल्स के साथ हाईवे पे हमें मिलेगा एक कैरियोके जंक्शन. सिक्किम में कैरियोके कल्चर इतना पॉपुलर है कि भीमनाला वाटरफॉल के पास एक फुल्ली सेटअप कैरियोके स्टॉल था राइट ऑन दी हाईवे. यार कमाल कर गए. Lachung is also being described as the most picturesque village of Sikkim. At an elevation of 8600 feet, this place will rejuvenate your lungs with fresh, crisp and cold mountain air. यहाँ पे हमारा स्टे था बायुर होमस्टे में जो मेन टाउन से दूर यहाँ के ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे था. एंड टू से वी वर ब्लोन अवे बाय द लोकेशन इज एन अंडरस्टेटमेंट. आज का दिन काफी लंबा था लेकिन होमस्टे पहुंचते ही जो एक्साइटमेंट और एनर्जी बढ़ गई क्या ही बताऊं. हिमालयन रेंज के 360 डिग्री व्यूज के साथ बायुर होमस्टे वाज जस्ट व्हाट आवर सोल नीडेड. माउंट कटाओ यहाँ से इतना पास दिख रहा था कि बस ऐसा लगे कि छू कर वापस आ सकते हैं. जहाँ नजर घुमाओ वही एक व्यू पॉइंट. जितना खूबसूरत ये ऑनलाइन पिक्स में था उससे कई गुना बेहतर था रियलिटी में. और सोचो ऐसे लोकेशन पे आपका वेलकम हो चाय पकौड़े के साथ तो बस और क्या ही चाहिए. हमारा मूड बना. बायोलॉजिकल फैमिली रन होम स्टे विद 3 क्लीन एंड कोजी बेडरूम्स. At the top of a hill with majestic beauty all around, this simple space along with its friendly host offers a comfortable homely vibe. तो अब ये जितना अभी जगह बचा है ना, हाँ जी, मैं
जैसे मेरे पहले जमाना उस टाइम पे साइड इस टाइम पे रोड भी नहीं था तो मेरे ग्रैंड मदर ने पूरा उसने ये मतलब रजिस्ट्रेशन करके रखा है ये पूरा लैंड जी जी उस टाइम मतलब आपका क्या था कि जब सिक्किम में राजा का टाइम ना किंग के टाइम में क्या होता है कि जो थोड़ा पावरफुल होता है वो आपका जमीन जितना चाहे ले सकते हैं लोग नहीं आप उस टाइम ना तो बेचारा उसने सब देख रखा है तो बाद में जैसे हमारा गेट ला जिस गुरु जी रिंपुची लाचुंग रिंपुची भी उनका घर भी यहाँ है तो उनकी वजह से गवर्नमेंट ने पीडब्ल्यू ने ये जो है ना रोड कंस्ट्रक्शन किया ये इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई ना तो हमने एकदम गुड लोग है नहीं तो आप सोचिए बिना रास्ते के हम यहाँ कैसे आए सोचिए मैं खुद का लक्की बनता हूँ तो मैं लक्की किसी मैं अपना ग्रैंड मदर को देता हूँ आप बोले थे तो इसीलिए अगर मतलब और दूसरा कोई होते तो आप सोचिए ना लोग के पास पैसा है लेकिन जगह नहीं तो यहाँ आप सोचे कितना वैसे सेम वही यहाँ वो यहाँ भी हो सकते सच में फिर सब नेचर डिस्ट्रॉय सच में नेचर डिस्ट्रॉय करना बहुत अच्छा लगता है पैसा है ना वो दिमाग नहीं होते लेकिन हमको ना पैसा भी नहीं चाहिए जो अभी मेरा लाइफ स्टाइल इतना काफी है चार गेस्ट जो भी गेस्ट आते ना उसको ये जगह चाहिए जैसे टूरिस्ट आके बाहर जाके उसको फ्रेश जैसे मुझे होना चाहिए ना अब क्या होते डायरे आते चार रूम में चला जाते फिर बोलते डिनर डिनर खाने आ जाओ फिर ब्रेकफास्ट फिर जाए चेकआउट बेचारा यहाँ का जो क्या कुछ ऐसा हो रहा जो नेचुरल जो चीज़ उसको देखने का चांस नहीं मिलते ना लाइक जैसे आप यहाँ का आपने तो देखा ना यहाँ हर चीज़ है ना और इससे पहले तो मुझे यही लगता था जो लोग एक दिन दो दिन के लिए आए बस उतना लेकिन यहाँ आपके घर आके ना सही लग रहा है कि एक दो दिन नहीं यार यहाँ पे लॉन्ग स्टे के लिए आना बनता है मैं क्या जैसे आप जैसे यहाँ पहुँच के आप सोचे तो लाइक आपको और दिन रुकना आपको और पसंद कर रहे हैं ना क्योंकि आपको मन कर रहे हैं ना अब मान लो अगर आपको जैसे ये लोकेशन आपको अगर आपको नहीं मिलता तो आप मान लो एक रात तो मुश्किल रहेंगे नेक्स्ट यहाँ चला जाएगा लाचेन में तो रहे ना होटल में रहे एक रात वहाँ पे रहे उसके बाद आगे गए और चेकआउट जी वही था यहाँ पे तो एक मेरे को लगता है कि लाचुंग के इतना पास होने के बाद भी ये एक मिनी लाचुंग यहाँ पे आपका अपना है जहाँ पे जैसा कि आपने कहा कि नेचर स्टिल प्रिजर्व अब देखे ना अब ये जो नीचे रोड अब ज्यादा नहीं है इतना ज्यादा नहीं आप कितना 1 किलोमीटर का होगा उस दिन आप जैसे आप वॉक करके जाएंगे ना अब हर चीज़ मिल जाएगा जैसे ब्लूबेरी का पौधा मिल जाएगा वाइल्ड ब्लूबेरी का जैसे आप लोग कभी वो मतलब कलेक्ट करने में थोड़ा मुश्किल रहता है जैसे विंटर में दिसंबर जनवरी में उसका प्लॉकिंग सिस्टम होता है ना तो हम थोड़ा सा वाइल्ड भी बनाते हैं और ये वाइल्ड ऑर्किड है आपका बहुत चीज़ है लेकिन उससे उतना मुझे आइडिया नहीं है फिर भी मैं जो भी है आपको शेयर किया और एक तो वेदर इतना सही है हम लोग वेस्ट सिक्किम में पहले घूमे उसके बाद नॉर्थ सिक्किम शोंगू से स्टार्ट किया लेकिन जो वो पहाड़ों वाला फील हमें जो आया ना वो यहाँ या लाचेन और लाचुंग यहाँ पहुँच के ही आया तो यहाँ क्या पूरे साल ठंडा रहता है क्या ठंडा रहे अभी जितना अभी जैसे ये अभी ये अभी ये जो अभी टेम्परेचर देख रहा है ये हमारा समर ये समर जी अभी ये इससे ज्यादा गर्म समय नहीं तो आज का प्लान था युमथांग वैली जाने का लाचुंग से 30 किलोमीटर दूर यहाँ का रास्ता जाता है रोडोडेंड्रॉन सैंक्चुरीज माइटी ग्लेशियर्स और देवदार फॉरेस्ट से होके गुरु डोंगमार की तरह यहाँ लैंडस्केप्स में बहुत स्टार्क चेंजेस तो नहीं आते पर रास्ता ऐसा जरूर था कि मन करता है कि बस खत्म ही ना हो सामने और पैरों के नीचे पर्पल फूल यहाँ पहुँचते ही लगा कि बस अब और नहीं लग जाते खड़े हो
युमथांग का लिटरल ट्रांसलेशन होता है वैली ऑफ फ्लावर्स और यहाँ पहुंच के पता चला कि इसे ये क्यों बोलते हैं। शायद एरियल व्यू में ये बहुत ज्यादा बड़ी ना दिखे बट यहाँ के हर छोटे छोटे एलिमेंट्स इस जगह को बहुत ही एक्सोटिक बनाते हैं। इनक्रेडिबल ब्लेंड ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन दिस वैली। यहाँ तक कैसे 3-4 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। यहाँ से निकलने के लिए जैसे तैसे मन को मनाया पर जो आगे होने वाला था वो हमने भी नहीं सोचा। जब हम वापस लाचुंग जा रहे थे तो अचानक हमारे ड्राइवर ने गाड़ी पे ब्रेक लगाई और बस एक वर्ड बोला, स्नोफॉल। जब गाड़ी से बाहर उतरे तो देखा कि सब कुछ धीरे धीरे ग्रीन से व्हाइट टर्न हो रहा था। हम एक जंगल के बीचों बीच थे और ऐसा लगा कि डायरेक्टली टेलीपोर्ट हो गए हैं किसी मैजिकल वंडरलैंड। जहां नजर घुमाए वहां खूबसूरती का एक अलग ही नजारा था। एंजॉय भी और इतना सस्ता और सारा कुछ और पूरा है। आप क्या बोल रहे हैं? नहीं वो एंजॉय करते हैं। प्रदेश का क्या बात क्या। बायुल वापस आने के बाद भी यकीन नहीं हो रहा था कि पिछले 2-3 दिन कैसे बीते। ऑफकोर्स पहले से ही फोटोज देख के मुझे पता था कि ये जगहें बहुत ही मेस्मराइजिंग होने वाली थी बट इनका एक्चुअल एक्सपीरियंस सरपास्ड ऑल माय एक्सपेक्टेशंस। अभी बस मैं और ज्यादा नहीं सोचना चाहता था क्योंकि अभी भी कुछ पल बाकी थे। आफ्टर ऑल वी वर स्टेइंग एट अ लोकेशन व्हिच वाज हैंड्स डाउन द बेस्ट प्लेस टू स्टे इन लाचुंग, अ प्लेस वेयर यू कैन एडमायर द माइंड ब्लोइंग ब्यूटी ऑफ नेचर राइट फ्रॉम योर कोर्टयार्ड। नॉर्थ सिक्किम आके मुझे ऐसा लगा कि ये वो जगह है जो आपके दिल और दिमाग दोनों को शांत कर देती है। दो द जर्नी इज बैक ब्रेकिंग बट द डेस्टिनेशन इज वर्थ ऑल द ट्रबल। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिक्किम की ट्रिप यहाँ बिना कंप्लीट नहीं होगी बट रादर ये कहूंगा कि बहुत जल्द सिक्किम की एक ट्रिप सिर्फ यहाँ आने के लिए प्लान होगी। द हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स, सेक्लूडेड विलेजेस, जॉ ड्रॉपिंग विस्टास एंड द सीरीन वैलीज हैव लेफ्ट मी स्पीचलेस एट एवरी ट्विस्ट एंड टर्न ऑन दिस जर्नी। क्या बात है जी, बहुत ही जबरदस्त खूबसूरत अमेजिंग और अनबिलीवेबल सीन हमने आज देखने को मिले। अद्भुत नजारा भी था। सिक्किम, सिक्किम क्या खूबसूरती है यार, और इतने प्यारे प्यारे। अभी नॉर्थ सिक्किम है, नॉर्थ सिक्किम, सिक्किम के बहुत सारे प्लेसेस अभी बाकी हैं, लेकिन नॉर्थ सिक्किम ने कमाल कर दिया यार। वो सड़क एक खूबसूरत सड़क और साथ में नजारे ऐसे थे जैसे को पेंटिंग लगी हुई है और आपने कैप्चर करने में काफी कमाल कर दिया। कमाल कर दिया सीन वो, जो खास करके वो जो घोड़ों वाला सीन था वो भी कमाल था। कमाल था। बड़ी खूबसूरती से फिल्माया गया ये वीडियो और वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो भी कमाल की थी और बहुत ही जबरदस्त इलाका, हर तरह की खूबसूरती वहाँ मौजूद थी। साथ बहता हुआ दरिया भी था, बर्फबारी भी थी, बारिश भी था, हसीन मौसम, टेम्परेचर और फूल तो क्या ही बात। जो भी वीडियो देखते हैं ना खास करके वो उस इलाके की, तो ऐसे ही लगता है कि सारी खूबसूरती ये उस इलाके की नहीं, ये अलग अलग इलाके हैं। नहीं इंडिया के किसी इलाके भी हम यानी वीडियो कर रहे हैं ना, जो भी वीडियो हम देखते हैं, लेकिन वैसे लगता है सारी खूबसूरती उसी वीडियो में है, लेकिन जब कोई और वीडियो आती नहीं यार ये तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत, उससे भी ज्यादा खूबसूरत। क्या उनके होटल थे और क्या उन्होंने वो म्यूजिक वाला वो उन्होंने निजाम बनाया हुआ था खाली के नीचे, क्या बात है। और उधर उन्होंने
खेत कर लेंगे उन्होंने। माने बड़ी जबरदस्त जगह थी बॉस जी, थे और ठंडी हवाएं और पानी खुला और साफ पानी साथ में, क्या बात है, क्या शबनम का गिरना, क्या यकीन माने दिल खुश हो गया। इतनी जबरदस्त जगह थी, इतने जबरदस्त नजारे थे। मैंने तो आज पहली बार इतनी जबरदस्त जगह और इतने जबरदस्त नजारे जो है मोबाइल पर देखे हैं, और इंशाल्लाह एक दिन लाइव भी देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये नज़ारे हमारे भी हो सकते थे अगर ये दरमियान में बॉर्डर्स ना होते, या हमारे तल्लुकात ही चले बेहतर रहते तो फिर भी हम इन नज़ारों को एंजॉय कर सकते थे। लेकिन अभी क्या है, आई होप सो कभी आने वाले वाले दिलों में ये जो है ना दुनिया खत्म हो जाए और ये रंजिशें जो कदूरते हैं ये खत्म होगी, और हम जो हमारे हालात सिक्किम और ये सारी चीजें इंडिया की खूबसूरती को हम भी एक्सप्लोर कर सकेंगे अपनी आंखों से, जैसे उन्होंने कहा ये आंखों के लिए भी ठंडक है और दिमाग के लिए भी ठंडक है, अपने अपने कैमरों से कैप्चर करके हम अपने पाकिस्तानी। और उन्होंने तो खीर कर दी जो उन्होंने कहा, चाय और पकौड़े हमने सुबह सुबह खाए, क्या होगा, मेरे तो मुंह में पानी आने लग पड़ा था जब उन्होंने कहा था। बिल्कुल ही जब वेदर अच्छा मिले तो सब कुछ हसीन लगने लगता है और जिंदगी भी खूबसूरत लगने लगती है, और अपनी यादें, अपना आज और अपना कल सब कुछ हसीन लगता है, अपने दुख दर्द भूल जाता है इंसान ऐसी जगहों पे जाके, और काम कारोबार तक को भूल जाता है, क्योंकि जब वो ट्रैवल पे होता है और ट्रैवल का तो अलग ही मजा है, और जब ट्रैवल भी हो पहाड़ों में तो फिर क्या ही बात है। बहुत ही खूबसूरत सिक्किम, और आज हम सिक्किम की वीडियो नहीं करने वाले थे लेकिन एक भाई का कमेंट देखा तो मैंने कहा चलो सर्च करते हैं सिक्किम को भी, और पहली वीडियो देखी तो बहुत ही खूबसूरत लगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को करिए सब्सक्राइब। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।